छत्तीसगढ़ में चुनावी तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट आज रायपुर आ रहे हैं, जहां से वे बस्तर रवाना होंगे। बस्तर में वे राहुल गांधी की होने वाली चुनावी सभा स्थल का जायजा लेंगे और तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आपको बता दें कि 13 अप्रैल को राहुल गांधी बस्तर के दौरे पर आने वाले हैं, वहीं 20 अप्रैल को प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी और वो राजनांदगांव और कांकेर में चुनाव प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगी। चलिए अधिक जानकारी के साथ राजेश निषाद हमारे साथ लगातार बने हुए। राजेश, कांग्रेस भी अब चुनावी तैयारियों में जुट गई है। सचिन पायलट आज रायपुर आ रहे हैं और जो राहुल गांधी का दौरा प्रस्तावित है बस्तर में, उसकी समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस जो है वो बस्तर से कहीं ना कहीं चुनावी शंखनाद करने जा रही है। यही वजह है कि तमाम जो नेता हैं कांग्रेस के, उनका दौरा देखा जा रहा है। देखिए, कल राहुल गांधी का बस्तर दौरा है और बस्तर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे और साथ साथ जो 5 जो गारंटी है कांग्रेस की और उसके अलावा जो 25 जो वादे जो घोषणा पत्र में किए हैं, तो उन तमाम चीजों का बखान करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले आज प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के सचिन पायलट, उनका छत्तीसगढ़ दौरा होगा। वो करीब 3 से 4 बजे के बीच जो है राजधानी रायपुर पहुंचेंगे और प्राइवेट प्लेन से कहीं ना कहीं सचिन पायलट जो है बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां सीधे तौर पे जो चुनावी जो सभा है, जहां पे राहुल गांधी का संबोधन होगा, जहां पे राहुल गांधी का कार्यक्रम रखा गया है, उस स्थल पर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं तैयारियों को लेकर के जायजा लेते हुए सचिन पायलट नजर आएंगे। जी ठीक है राजेश निषाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज बस्तर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी जाने वाले हैं, तो कांग्रेस की तरफ से जो प्रभारी हैं सचिन पायलट वो भी जाएंगे और राहुल गांधी की जहां रैली होने वाली है उसका निरीक्षण करेंगे।